subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi, I am with India Forums, and today we are doing this segment called The First. Mohit Malhotra, who is currently seen on Ant TV's show Daayan and has worked in several other shows and is a popular face, was recently roped in by us, and here we asked Mohit about his first. So without any further ado, let's begin. First audition. My first audition was on my, I think a day before my birthday, when I'd come to Bombay to see my brother and celebrate birthday together. So I had met one of the coordinators and he said, would you like to audition? And I said, okay. तो उसने मुझे बैक फिल्म में भेजा था और वो मेरा पहला ऑडिशन था. फर्स्ट रिजेक्शन. फर्स्ट रिजेक्शन कब हुआ था मेरा? आई थिंक आई वॉज अप्लाइंग फॉर व्हेन आई वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग इन मॉडलिंग एंड एक्टिंग. तो आई रिमेंबर यू नो सेंडिंग आउट दीज पिक्चर्स और मैं फ़ोन करता था तो लोग फ़ोन उठाते नहीं थे, तो मैं जाता था. कई लोग तो मना ही कर देते थे मिलने से कि अभी हम बिजी हैं और अभी नहीं मिल सकते. तो वैसा रिएक्ट यू नो आई थिंक दोज वर द फर्स्ट रिजेक्शंस दैट स्टार्टेड हैपनिंग. फर्स्ट एक्टिंग गिग वाज मितवा ऑन स्टार प्लस. दैट हैपेंड राइट आफ्टर आई फिनिश्ड माय रियलिटी शो स्प्लिटसोला, एमटीवी स्प्लिटसोला. फर्स्ट पे चेक मेरा एक्चुअली आई हैड वर्कड इन अ कॉल सेंटर अ लॉन्ग टाइम अगो बिफोर एक्टिंग. तो उसका फर्स्ट पे चेक था. आई थिंक दैट वाज फॉर 16,000 रुपीज. फर्स्ट फैन इनकाउंटर हुआ स्प्लिट्सविला के बाद. तो जब यू नो आप कहीं किसी मॉल में जाते थे एंड यू नो पीपल वांट टू कम एंड टेक पिक्चर्स एंड सडनली यू लाइक वाव यू नो क्या हो क्या रहा है एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग दिस. तो वो था मॉल में हुआ था ये. फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश यार आई लव करीना कपूर और मुझे लगता है करीना कपूर हैज़ ऑलवेज बिन माई क्रश. फर्स्ट ईमेल आईडी मैंने क्या बनाया था? hotmail.com पे था आई रिमेंबर. मोहित मल्होत्रा something एट hotmail.com. फर्स्ट जॉब वॉज एट द कॉल सेंटर दैट आई डिड अ लॉन्ग टाइम अगो. फर्स्ट फोन मेरे ख्याल से नोकिया था, नोकिया 3210. फर्स्ट टाइम आई गॉट स्टार स्ट्रक वॉज व्हेन आई वॉज स्टडिंग इन अमेरिका. तो मैं एक टूर देखने गया था. आई थिंक इट हैड अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन एंड द होल फैमिली इन लॉस एंजलिस. तो जब मैंने शो देखा तो यार मुझे लगा क्या व्हाट अ लाइफ यू नो व्हाट यू नो देयर सो मेनी पीपल, इतने सारे लोग आप लोगों को देखने के लिए आए हैं. सो आई थिंक आई गॉट स्टार स्ट्रक राइट देयर. फर्स्ट पर्सन यू फॉलोड ऑन इंस्टाग्राम? यू नो मैं एक ऐड शूट कर रहा था बहुत पहले पॉन्ड्स की, 6-8 साल पहले शायद. तो वहाँ पर जो मेरी कोस्टार थी वो आई थिंक शी वॉज पोलिश, तो यहाँ से नहीं थी, वो इंटरनेशनल मॉडल थी. तो उन्होंने मुझे बताया था कि यार इंस्टाग्राम एक नई चीज़ आई है, व्हाई डोंट यू आल्सो गेट इनटू इट. तो हमने वहाँ पिक्चर्स ली थी हमने पॉन्ड्स के शूट के दौरान. तो उस वक्त मैंने वो पहली बार अकाउंट बनाया था, फिर पहली बार उन्हीं को फॉलो किया था और पहली बार वो पिक्चर हमने जो पोस्ट की थी. फर्स्ट मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज? आई थिंक दिस हाउस हैज बीन द मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज. फर्स्ट डिश यू कुक्ड? मैगी. फर्स्ट सोलो ट्रिप वाज आई थिंक सोलो ट्रिप वाज टू अमेरिका. जब मैं पहली बार जब पढ़ने से पहले जब मैं गया था देखने के लिए और मिलने के लिए, तो मैं अपने रिलेटिव्स के पास रुका था. तो फर्स्ट ट्रिप वही था. फर्स्ट डेट आई थिंक ड्यूरिंग द स्कूल टाइम्स. तब बड़ा मज़ा आता था, यू नो यू आर ऑलवेज शाय एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू. तो आप जब भी डेट होती थी उससे 3-4-5 घंटे पहले तो अपने दोस्तों के साथ बैठते थे और पूछते थे यार मैं क्या बात करूँगा, मैं क्या बोलूँगा और क्या नहीं करूँगा. तो स्कूल के दौरान थी और आई थिंक वी गॉन टू अ रेस्टोरेंट एंड वी एट. फर्स्ट क्लब एक्सपीरियंस? दैट वॉज ऑल्सो ड्यूरिंग द स्कूल. मुझे याद है हम सारे स्कूल के जो फ्रेंड्स थे यू नो रात को ग्रुप स्टडीज़ करते थे और ग्रुप स्टडीज़ तो कम होती थी और हम ये प्लान्स बनाते थे यार कि यार यहाँ पर एक क्लब है वहाँ चलते हैं. और उस ज़माने में क्लब्स इतने ज़्यादा होते नहीं थे, मतलब क्लब्स जाना वाज अ बिग थिंग व्हेन वी वर वेरी यंग. तो फिर मुझे याद है हमने एक दिन रात को हम ऐसे पढ़ने का सेशन बनाया था, सब घर वालों को था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं मिलके, लेकिन फिर हम यू नो एक क्लब में चले गए थे और बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ पर एंट्री की थी क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे होते तो एंट्री करने नहीं देते हैं. तो मुझे याद है हमारा एक शायद एक बड़ा दोस्त था तो उसने एंट्री करा दी थी हमारी. एंड द एक्सपीरियंस आफ्टर गोइंग टू द क्लब? यू गेट यू नो यू लाइक व्हाट अ लाइफ यार, यू फील कि ये जो बड़े लोग होते हैं, जो ओल्डर पीपल होते हैं, यू नो दे एंजॉय सो मच ऑफ लाइफ. तो आपको मुझे लगता है फटाफट से ना यू रियली थिंक भाई जल्दी से बड़ा हो जाऊँ बस मैं, यू नो आई रियली वांट टू एंजॉय एंड आई डोंट वांट टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीबॉडी. फर्स्ट एडवेंचर एक्टिविटी? एडवेंचर वॉज
स्काई डाइविंग जो मैंने की थी वो कॉलेज के दौरान की थी जब मैं अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था, तो वो बहुत ही बढ़िया एडवेंचर था और बड़ा मजा आया था वो करके. फर्स्ट टाइम यू मेड आउट इन पब्लिक? आई डोंट थिंक आई हैव मेड आउट इन पब्लिक. फर्स्ट अल्कोहल एक्सपीरियंस? वो आई थिंक कॉलेज के दौरान था, और जब कॉलेज में आए थे तो पार्टीज फिर होनी शुरू हो गई थी, तो फिर वो दोस्तों के साथ वो पहला स्टिंट था कि यार चलो लेट्स ट्राई समथिंग. फर्स्ट किस? आई थिंक दैट वाज आल्सो इन कॉलेज और मे बी अ लिटिल बिफोर दैट. तो जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी उनके साथ किस किया था. सो So Mohit, we thoroughly enjoyed the segment with you. Yes. How was it with you? You got nostalgic with lot of yeah, things. So much यार, मतलब मेरे को इतनी सारी यादें एकदम से वो flashes आए और इतनी सारी चीजें you know यादें ताजा हो गई. तो it's actually good यार, you know, going back in the timeline and you know thinking about all those memories. So it's really really good. Thank you so much for you know bringing back all those good memories back to my life. Hi, this is Mohit and you're watching me on India Forums. We hope that you guys enjoyed this segment with Mohit. If you did, do comment and tell us. Pooja Mahajan, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.